हेलो, सो दिस विल बी द लास्ट वीडियो इन दिस सीरीज़, जिसमें बेसिकली जो आपका पेपर CE 101 है, सो वील जस्ट डिस्कस इट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह से आपको आंसर करना चाहिए. वील गो थ्रू सम लाइक यू नो वील गो सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ दैट. एज़ फॉर योर AECC जो पेपर है राइटिंग स्किल्स का, उसमें ऑलरेडी लाइक यू नो ऑल द वीडियोज़ आर देयर. कुछ ज़्यादा उसमें ऐड करने को नहीं है. सो दिस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू POV वीडियो इज़ जस्ट फॉर CE 101, जो आपका लिटरेरी और थोड़ा बहुत ग्रामर आता है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द सिलेबस. यू हैव 5 पोम्स फ्रॉम ब्लॉसमिंग माइंड एंड 3 स्टोरीज एंड 2 एसेज फ्रॉम लाइफ अनफोल्डेड. 2 बुक्स है जो आपके इस पेपर की. और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका, आई होप यू नो दिस बाय नाउ, बट 30 मार्क्स के तो आपके इंटरनल्स होते हैं. 70 मार्क्स का जो फाइनल पेपर होगा इस बार, आई थिंक अप्रैल में. सो 70 मार्क्स में से यू विल हैव वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो दो दो नंबर के होंगे, लाइक यू नो. देन यू हैव शॉर्ट आंसर्स जो भी उसी तरह के 5 मार्क्स के, एंड फाइनली 10 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, राइट. एंड फिर जो आपका ग्रामर पोर्शन आता है वो कुछ 20-30 मार्क्स का होगा. सो वील गो थ्रू ऑल ऑफ दिस इन मोर डिटेल ओवर द कोर्स ऑफ दिस वीडियो. बट आगे जाने से पहले, सबसे पहले लाइक यू नो द प्राइमरी थिंग आई वुड से टू यू इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आई सी दिस प्रॉब्लम इन माई स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. जस्ट बिकॉज आपने पैरट इन द केज या फिर यू नो ऑज़िमैंडियास कविता से आपने एक दो सवाल याद कर लिए हैं किसी तरह गाइड से, डजंट मीन कि यू हैव टू आंसर द सेम थिंग्स, राइट. सो वॉट वी नीड टू डू इज़ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या पूछा जा रहा है. और उसके लिए आपको यानी एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए. इन फैक्ट लाइक यू नो आई कैन सजेस्ट, इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट अ पर्टिकुलर वर्ड, मे बी आस्क योर इन्विजिलेटर, शायद वो आपको समझा दें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आई सेड, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. कभी कभार क्या होता है, जो आपने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है एग्जाम में, उस वही सेम क्वेश्चन है, दे जस्ट चेंज अ फ्यू वर्ड्स हेयर एंड देयर. लाइक इंस्टेड ऑफ से लाइक यू नो राइट अबाउट द थीम्स ऑफ अ सर्टन पोएम, दे माइट से write a critical appreciation or analyze the themes. It's the same question, same answer. It's just that थोड़े अलग शब्दों में दिया गया है. So please, first of all, you know, make note of that. Next point I want to say is, जितने भी जो आपके texts हैं, कुछ चीज़ें तो आपको बिल्कुल हर text के बारे में पता होने चाहिए. Like forget important questions, like summaries. हर lesson का आपको summary आना चाहिए, सार आना चाहिए, जिसमें basically you know all the important details and points and themes. You should be able to sum up in your own words, you know, in less than a page. किसी भी टेक्स्ट की बात करें आपको, you should be able to summarize them. ये तो आपको हर टेक्स्ट का आना चाहिए. फिर आता है जो reference to context questions, again, which means that you should be familiar with the text. अगर टेक्स्ट में से कुछ लाइनें लेके आपको दी गई है, आपको पता होना चाहिए ये किस चैप्टर से है, किसने लिखा है, राइटर का नाम क्या है और किस किताब से लिया गया है. All of this you should know, right? So these two things, summaries and reference to context. रही बात short answers की, it's mostly about the you know facts in the text, की what did A say to B, इसने क्या किया, फिर इसके बाद ये हुआ, जो कि आपको जो दो दो नंबर के होंगे सवाल या एक नंबर का, ये आपको 2-3 लाइनों से ज़्यादा इसमें समय नहीं देना है. यू नो ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे. अब 2 नंबर का सवाल है, उसमें अगर आपने 2 पेज लिख दिए तो तब भी आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे, राइट. सो शॉर्ट आंसर्स मीन शॉर्ट 2-3 लाइन्स एट द मोस्ट, एट 2-3 सेंटेंसेज. एंड बेसिकली ये उस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपको जैसे स्कूल लेवल के साहित्य में पढ़ते थे आपकी, कि कोई आपने इंग्लिश में स्टोरी पढ़ी और फिर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डिड मिस्टर ब्राउन से टू मिस्टर वाइट, इस तरह के जो बिल्कुल जो तथ्य फैक्ट्स, किसने क्या किया, उस फिर क्या हुआ, उस तरह का प्लॉट डिटेल्स, इस तरह के. जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो आपके जैसे 10 मार्क्स के होंगे, अगेन अब इसका ये मतलब नहीं है कि 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप 10 पेज लिख दें. अगर आपको लगता है आपका काम 2 पेजों में हो गया, जितने भी पॉइंट्स हैं आपने कवर कर लिए, सो दैट इज़ फाइन, यू नो. बट यू शुड बी एबल टू कवर ऑल द पॉइंट्स, अगेन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सो लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादातर आपको थोड़े क्रिटिकल या फिर एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, जैसे थीम्स के बारे में या फिर किसी कैरेक्टर स्केच या फिर समरी, क्रिटिकल अप्रिसिएशन, आपको या तो संदर्भ के बारे में बताना है, कंटेक्स्ट के बारे में. सो लॉन्ग क्वेश्चंस विल बी मोर एनालिटिकल, जिसमें आपको थोड़ा अपना ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा. एंड यू विल ऑल्सो हैव टू कनेक्ट द टेक्स्ट विद द लार्जर वर्ल्ड इफ़ यू कैन डू दैट. यानी बस टेक्स्ट की बात ना करें, और यू नो नॉट जस्ट लाइक यू नो एनी टाइम इफ़ यू आर arguing something, जैसे आपसे पूछा जा रहा है, was ये एक typical question जो आ जाता है dinner for the boss से, कि was Shyamnaj educated in the true sense. So you can't just say like yes or no.
अगर आप यस बोल रहे हैं या नो बोल रहे हैं, यू हैव टू जस्टिफाई, प्रमाण देने होंगे कहाँ से, टेक्स्ट से. लाइक यू नो, एंड इफ इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन देन यू शुड बी एबल टू ऑल्सो कनेक्ट द टेक्स्ट टू द लार्जर वर्ल्ड, अपने समाज से या फिर दुनिया से कुछ कुछ आप चीज़ें कनेक्ट करेंगे. दैट विल मेक फॉर अ वेरी गुड आंसर, जिससे आपको शायद 10 में से 8 9 मिल जाए. 10 में से 10 कभी नहीं मिलेंगे, बिकॉज दिस इज ह्यूमैनिटीज, दिस इज लिटरेचर, दिस इज नॉट मैथ और साइंस. क्योंकि मैथ और साइंस, मैथ में अगर आप 2 + 2 = 4 है तो बस वही है. लिटरेचर में अगर आपको 10 में से 10 दे दिया, सो विच मीन्स योर आंसर इज परफेक्ट, इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता था. सो यू विल नेवर गेट फुल मार्क्स इन दैट, इन ह्यूमैनिटीज पेपर्स. और सो बेसिकली अगेन, लाइक यू नो, बी फेमिलियर एंड ऑल्सो बी विद द टेक्स्ट ऑफ कोर्स, बट ऑल्सो थोड़ा अपना क्रिटिकल दिमाग लगाइए कि इस टेक्स्ट को आप बाहरी दुनिया से, थीम से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, समाज से कैसे कर सकते हैं, इंडियन कंटेक्स्ट हो या चाहे वर्ल्ड कंटेक्स्ट हो, राइट. सो अगैन गोइंग बैक टू दैट क्वेश्चन जो शामनाथ वाला था, सो वेन यू से, और अगेन लिटरेचर ह्यूमैनिटीज़ में देर इज़ नो राइट और रॉन्ग, बट यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई इट. अगर आप कहते हैं नहीं नहीं शामनाथ एजुकेटेड था, विच सॉर्ट ऑफ गोज अगेंस्ट वॉट मोस्ट ऑफ अस बिलीव, बट यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट. अगर आप उसको अच्छे से उसका प्रमाण या फिर तर्क दे सकते हैं टेक्स्ट के थ्रू कि हाँ शामनाथ ने ऐसा किया था इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देन इट इज़ ऑल राइट. बट ऑलवेज रिमेंबर, यू नो, यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई वॉट एवर ओपिनियन, जो आप राय दे रहे हैं टेक्स्ट के बारे में, वो आप टेक्स्ट से ही एग्जाम्पल्स लेके उसे तर्क देकर जस्टिफाई कीजिए. बट एट द सेम टाइम, यू नो, इट्स नॉट नेसेसरी, स्पेशली समरी वाले क्वेश्चन में आपको एक एक चीज़ नहीं बतानी. अगर शामनाथ वाली बात करें तो अगर क्वेश्चन है कि हाउ डिड शामनाथ मिसट्रीट हिज मदर, सो आपको एक एक चीज़ नहीं बतानी, शामनाथ ने ये किया, ये बोला, फिर ऐसा हुआ. एक जनरल सा आपको बताना है कि ही मिसट्रीट हिज मदर और कुछ एग्जाम्पल्स देना. यू डोंट हैव टू राइट द एंटायर टेक्स्ट बेसिकली, राइट. सो एनी हाउ दैट इज इट, एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो आई विल स्टार्ट विद द पोएट्री सेक्शन फर्स्ट. And I'm guessing that since आप लोग इस तरह की videos पर अगर आप rely कर रहे हैं, so most of all you're going to study from the guides. So I'm just going to go through some important questions. First of all, let's take Ozymandias again by P.B. Shelley. You should know the summary, you should know a little about the poet के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए आपको. और उसके बाद you should go through all the like you know reference type questions जो आते हैं, जो एक एक उसमें. And going through some of the important questions, like describe the theme of the poem Ozymandias, that's an important question. Give the central idea of Shelley's poem Ozymandias, again, जो मैं बोल रहा था. Almost same answers है दोनों का, just अलग अलग शब्दों में आपको question दिया गया है. Summary, like I said, it's important. Again, what is the theme of Shelley's poem? How does Shelley bring out the vanity of Ozymandias? These are all important questions. अगर आप ये सब आपको पता है, then pretty much you have the this poem covered. Also, थोड़ा historical context, short type के उसमें आ जाता है. Who was Ozymandias? What did he get built? How does Shelley describe the statue of Ozymandias? Which is again factual, कि कहानी में, text में, कविता में क्या हुआ गया है. What message does the poet want to convey through this poem? Which words were written on the pedestal of the statue? So that's the first one. Then we move on to William Shakespeare, Blow, Blow, Thou Winter Wind. Again, you should know about the poem, कहाँ से ली गई है, as you like it, say, etc. Summary पता होने चाहिए आपको, lines पता होने चाहिए, ताकि आप reference to context answers दे सकें, जिसमें आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ से ली गई है line, या फिर किसने लिखी है, all of that. Then moving on to the important questions, what understanding of friendship does one derive on reading Blow, Blow, Thou Winter Wind? Or then again, long answer, attempt a critical appreciation of the poem. So theme, critical appreciation, ye sab to aapko har text ka, like I said, with summaries and reference to context, themes and critical analysis to aapko हर टेक्स्ट के बारे में पता होना चाहिए. उसके अलावा शॉर्ट आंसर्स में है, हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोम, एमियंस एज यू लाइक इट, इन द पोम व्हाट लीड्स टू कंपैरिजन विद द विंटर स्काई, व्हाट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेंडशिप डज वन डिराइव ऑन रीडिंग ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, एंड व्हाट डज द पोएट कंक्लूड अबाउट द मैन इन दिस वर्ल्ड. दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई फील. एंड अगेन, लाइक यू नो, लेट मी गिव अ डिस्क्लेमर राइट नाउ, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि जो नॉर्मल जो पैटर्न है आपका, उसमें जनरली इस तरह के सवाल आते हैं. कल को अगर नहीं आए तो मुझे मत बोलिएगा, राइट. यू नो, दीज आर टू गाइड यू. ये नहीं है कि यही सवाल आएंगे, कल को कुछ और भी आ सकता है. इनफैक्ट इफ़ यू मीट अ ट्रिकी क्वेश्चन पेपर सेटर, मे बी अगर मैं होता तो मैं तो बहुत ही अटपटे सवाल डाल देता. सो दीज आर जस्ट टू गाइड यू, यू नो,
डू नॉट रिलाई ऑन देम एंटायरली. अगर ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए सो विच मीन्स दैट यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, सॉर्ट ऑफ एटलीस्ट बेसिक्स आपको तैयार है. बट जरूरी नहीं है कि यही सवाल आएंगे, राइट? सो दीज आर अगेन लाइक यू नो दिस इज माई डिस्क्लेमर, प्लीज नोट दिस. ठीक है, फिर नेक्स्ट पोम द गुड मॉरो बाय जॉन डन. अगेन सेम थिंग्स, समरी अबाउट द पोएम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, रेफरेंस एक एक आपको लाइन पता होनी चाहिए. देन हाउ डज डन डिस्क्राइब लव इन हिज पोम द गुड मॉरो. एट द सेम टाइम यू नो इसमें ज़्यादातर लाइक यू नो ऑफन इट विल बी इंटरेस्टिंग टू कंपेयर विद विलियम शेक्सपियर वाला, कि विलियम शेक्सपियर हाउ डज ही डिस्क्राइब लव इन हिज पोम एंड वॉट डज डन थिंक ऑफ इट, एंड बोथ इन दोनों का कंपेरिजन. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. गिव द सब्सटेंस ऑफ द पोएम, बेसिकली द गुड मॉरो मेन थीम. सो वही है, ऑल ऑफ दीज आर सेम क्वेश्चन. अगर आपसे पूछा जा रहा है राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन, या फिर गिव द सब्सटेंस समरी, या फिर राइट अबाउट द थीम्स, दीज आर ऑल वेरी सिमिलर आंसर्स. यू नो एक जैसे आंसर्स होंगे, अलग भी होंगे ऑब्वियसली, लाइक यू नो थीम्स ज़रा ज़रा अलग होगा, बट जो मेन जो टेक्स्ट मेन जो बॉडी है कंटेंट है इज प्रीटी मच सेम फॉर ऑल सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. सो प्लीज़ लाइक आई सेड, सवाल समझिए फिर उत्तर दीजिए. ये नहीं कि जो आपने रटा हुआ है बस उसी वही लिख देना है. ठीक है, अगेन लाइक यू नो हाउ डज डन डिस्क्राइब लव इन द गुड मॉरो एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एक्सप्लेन द रेफरेंस टू सेवन स्लीपर्स इन द पोम. How does the poet try to prove that the world of their love is better than the geographical world? Why does the poet say he and his beloved have no fear of death? Who does the poet address in this poem? What does he wonder? So all of these. Then The Man He Killed by Thomas Hardy, same things. And moving on to the short answer questions, basically bring out the theme of the poem, give the substance of the poem, throw light on the senselessness of war as brought out in the poem. The strength of this poem lies not in description but in the creation of an attitude towards war. What is Hardy's attitude towards war? So again, you know, it's mostly dealing with themes and all of this. The poem is about two mercenary soldiers and it has an element of irony and pity in it. Elucidate, relate the encounter between the two soldiers in the battlefield, attempt a critical appreciation of the poem. So all these questions you should be familiar with, aapko pata hone chahiye. Where did the two soldiers actually meet? What would they have done if they had met by some inn? Ye short answers aa gaye aapke. Who are the two persons referred to in the poem? Why did they join the army service? What is Hardy's attitude towards war? So all these things, you know. So again, like, you know, sometimes same question can be given to you as either a short question type or as a long answer type. So basically, what is Hardy's attitude towards war? अगर ये दो mark का सवाल आता है तो आपको दो तीन लाइनों में बिल्कुल simply बताना है. But अगर यही सवाल 5 या 10 number का आता है, so then obviously you will elaborate more, give more details from the text, right? शॉर्ट, वेरी शॉर्ट जो दो नंबर का है उसमें बस आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, हाँ या ना, और थोड़ा बहुत एक दो लाइन. बट इन द अदर लॉन्गर आंसर्स देन यू हैव टू जस्टिफाई, टेक्स्ट एग्जांपल्स देने होंगे, वर्ल्ड वॉर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दे सकते हैं आप, ये सब आपको करना होगा. फाइनली देन लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. अगेन नो अबाउट द पोएट, अ लिटल अबाउट द रोमांटिक्स, द समरी ऑफ दिस. And then moving on to the questions, like, you know, discuss Wordsworth's concept of nature in the light of following expression. To her fair works did nature link the human soul that through me ran. So basically you should be very familiar with the poem, each line aapko pata honi chahiye. Wordsworth thinks that man has become his own enemy by destroying nature. Do you agree? Give reasons in your support. Or like, what is Wordsworth's concern in the poem? And in what ways does Wordsworth want to rebuild? In what ways way does Wordsworth want to rebuild human morality in his poem? Lines written in early spring. What, according to Wordsworth, is nature's holy plan? Some of them are very straightforward questions. जो आपको अगर if you know the text you'll be able to answer. बाकी थोड़े critical analytical questions होते हैं जिसमें आपको थोड़ा extra दिमाग लगाना पड़ता है. और hopefully you will be able to do that. Then consider the main ideas of Wordsworth's poem. To what extent are they relevant to our time? Or what is the sum and substance of Wordsworth's poem? And moving on to the very, like, you know, the shorter answer things. What do you understand by the expression, what man has made of man? What was nature's holy plan? What could the poet do nothing but think? Briefly describe Wordsworth's concept of nature. So again, similar questions as you can see, you know, ek jaise hi zyadatar sawal hai, bas you should be able to know ki short mein kya likhna hai aur long mein kya likhna hai, kaise likhna hai.
And that is the poetry section. Then we move on to the stories. So first of all, obviously you have Parrot in the Cage. Again, you should know about the historical context, ki partition ke baare mein, thoda bahut Mulk Raj Anand ke baare mein, writer ke baare mein. And then obviously you need to know the summary of the story, the plot exactly, you know, kahani mein shuruaat se ant tak kya hota hai. Ye to basic knowledge hai, ye to aapko hona hi chahiye. Then we move on to the questions. Describe the life Rukmani lived in Lahore. Describe the night when Rukmani fled from her home. Ya fir what memories does Rukmani have of the night of Lahore, night in Lahore. How does the gram stall keeper try to help Rukmani? What is the metaphoric meaning behind the calls of the parrot? This is a very important question. Analytical, what is the metaphoric meaning behind the calls of the parrot? You know, one of the main questions. Please, ye to aap definitely aapko आना चाहिए. हाउ इज़ द पैरट लाइक अ सन टू रुक्मिनी, ये भी इंपॉर्टेंट है. हाउ कैन रुक्मिनी बी कंपेयर टू द पैरट इन द केज, अगैन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गिव अ शॉर्ट समरी ऑफ द स्टोरी द पैरट इन केज. वेयर वॉज रुक्मिनी सिटिंग एंड वाई, शॉर्ट आंसर्स, फैक्चुअल आंसर्स. डिस्क्राइब द नाइट वेन रुक्मिनी हैड फ्लेड फ्रॉम होम, ऑल ऑफ दिस. देन फाइनली वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, डिनर फॉर द बॉस बाय भीषम सानी. अगैन नो अबाउट द राइटर, द समरी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब आपको पता होना चाहिए. देन मूविंग ऑन टू द शॉर्ट आंसर्स, write a note on Shyamnath's character. Ya fir how does Shyamnath treat his mother? These are very important questions. You should definitely be familiar with them. Uske baad another very important question jo aata hi aata hai, jisme abhi I mentioned it also. Can Shyamnath be called educated in the true sense of the term? Kya Shyamnath ko waqai educated kaha ja sakta hai? These are very important questions. Ye to aapko definitely aane chahiye. How did mother contribute to making the party a success? Another one. Write a note on the character of the boss. Ye bhi kafi common question hai. Then again, now like long answer mein like a more critical analytical question, how are the values of the younger generation different from those of the old mother? Kyunki main theme, one of the main themes here is generation gap ki agar aap baat kare. So this question deals with that directly. In the story Dinner for the Boss, there is a marked difference in the attitudes of the two generations. Summarize the story bringing out this difference. So these questions you must know. Moving on. The Reddening Tree by S.R. Harnot. Again, you should know about the context, the writer, the summary of the story, the plot, everything you need to know. Then, coming to the questions. So, what you need to go through is basically, reference again, you need to know. You should need to be familiar with characters and plot and all of this. So, moving on to the short answers. How does Matru earn his living? Why does Munni not go to school? What does she do instead? What is the villagers' belief regarding the Tulsi and the people? So these are sort of factual questions, which are plot-related questions. What does Munni understand by marriage? Then one of the most important questions for jo hai yahan ka long answer, how far are illiteracy and social pressures responsible for Matru's situation? Like, so they definitely please work on this. And then what are your views on the ending of the story, or ya fir comment on the ending of the story? Again, like I said, you know, same question just put in different words. So please do not get confused. Understand the question, understand the words before you try to answer. So ye bhi important question hai, what are your views on the ending of the story? And then finally we move on to the essays. The first one is At the Himalayas by Rabindranath Tagore. Obviously aapko pata hona chahiye Tagore kaun the aur essay mein kya kya likha gaya hai, uske summary kya hai, theek. And isme RTC bhi kafi aa jata hai, reference to context. Moving on to the short answers, describe Tagore's fascination with the mountains, or briefly describe the fascination of the forest areas of for Tagore. So these are important questions, काफ़ी important है, याते रहता है. Again, similar, describe some of Tagore's experiences as a boy during his stay with his father at the Dalhousie Hills. Again, very important. Then one of the most important questions जो often आता है, common question है, how did Rabindranath Tagore's father educate him? Which aspects of his way of educating are highlighted by Tagore? या फिर how was Tagore's father mode of education the biggest contributor in his quest for truth? Things like this, same questions again, but like very important. Then long may again, similar, what idea do you form of Tagore's attitude to nature and his views about the right way of education from At the Himalayas? Very important. What idea do you form the writer's father from the essay At the Himalayas? So again, like, you know,
These questions can come as long questions also or as short answer questions also. So you should be able to know कि same सवाल same answer को आप कैसे दो तीन page में अच्छे से text दे के example दे के context समझा के दें उदाहरण दे के या फिर उसी answer को आप बिल्कुल उसका सार लेके उसका जो निचोड़ रस लेकर दो तीन लाइनों में आप उसको simply अपनी opinion कैसे दें this you need to know. Finally, the last essay, The Value of Silence by Mahatma Gandhi. Obviously, आपको पता होना चाहिए Mahatma Gandhi कौन थे और थोड़ा बहुत आपको like you know context उनके जीवन के बारे में and also then you need to be familiar with the text कि exactly क्या बोला गया है इन इस essay में. So, short answers, how does silence help a seeker of truth? Very important, usually आता है ज़रूर. What according to Gandhi ji is the disadvantage of modern civilization? How can we hear the voice of the great silence? In what way can silence help our mind control the senses? What will be the benefit of controlling the senses? Or how, according to Gandhiji, does silence aid in controlling the senses? So as you can see, जो हम discuss कर रहे हैं, अगर आप किसी भी text में देखे जो अभी तक हमने देखा है, there are certain fixed pattern of questions, you know, जो हर text से आते हैं. जैसे अगर आप टैगोर का essay लें, तो ज़्यादातर क्या है, या तो उनके पिता के बारे में बात होगी, कि education के बारे में, या फिर टैगोर's experiences in the nature, in jungles. वैसे ही Gandhiji का जो है, how does silence speak, help a seeker of truth, या फिर how does silence help in controlling the senses. So जो main themes है उसी से ही related. Short answers can be factual, dealing with like you know certain plot details, but long answers will always deal with these sort of patterns like main themes etc etc. Like Shyamnath में generation gap, dinner for the boss में generation gap की बात होगी, या फिर एजुकेशन दे जो ये सब की मिसट्रीटमेंट ऑफ मदर की बात होती है, पैरट इन द केज में मेटाफोरिक मीनिंग ऑफ द पैरट एसेट्रा एसेट्रा. सो जस्ट लाइक यू नो दिस पैटर्न एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. सो एनी हाउ कमिंग बैक टू वैल्यू ऑफ साइलेंस, हाउ डज गांधी जी डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ साइलेंस, वॉट आर गांधी जी व्यूज ऑन साइलेंस, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेम है देखा जैसे आप. ओके सो दैट्स द लिटरेचर पार्ट. फाइनली वी कम टू द ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. इस पे भी अगेन लाइक द लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, सो जस्ट टू क्लैरिफाई अ लिटिल मोर, इसमें क्या होगा आपके जैसे जो पहले जो चार टॉपिक्स हैं विच इज़ articles, preposition, verb forms and phrasal verbs जो पिछले वीडियो में डिस्कस हुए थे. सो ऑल ऑफ देम विल कैरी से लाइक यू नो पाँच पाँच नंबर का हर टॉपिक आएगा और क्या होगा हर टॉपिक के पाँच सवाल होंगे एक एक नंबर के, यू नो. सो फॉर इंस्टेंस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स, देर विल बी फाइव सेंटेंसेज विद फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे दिस इज डैश बुक, प्लीज गिव मी डैश बॉल, थिंग्स लाइक दिस. पाँच ऐसे सेंटेंसेज होंगे एक एक नंबर के, सो you'll have to answer this. Prepositions may be aisa hi hoga, paanch sentences honge, the book is dash the table, things like this, paanch sentences honge ek ek number ke. And verb forms may be same, jaise I am dash my lunch, paanch sentences honge aur bracket mein aapko verb diya hoga jiska aapko sahi roop likhna hai, so I am eating my lunch, things like this, you know. And finally phrasal verbs, again isme kya hoga, jaise aapko paanch chhe phrasal verbs de rakhe honge group mein aur fir aapko kuch या तो इनके आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे खुद या फिर कुछ पांच सेंटेंसेस ब्लैंक के साथ दिए होंगे और आपको सही फ्रेजल वर्ब उस जगह पे डालना है, यू नो. सो ऑल ऑफ दिस पांच पांच नंबर के, यानी एक एक सेंटेंस एक नंबर का, कमिंग टू 20 मार्क्स. और फाइनली कॉम्प्रीहेंशन जो आपका आएगा, अनसीन पैसेज आएगा, उसमें कुछ सवाल होंगे, यू नो, छोटे छोटे शॉर्ट आंसर ही होंगे जो उसी टेक्स्ट से लिए गएंगे, विच विल बी फॉर 10 मार्क्स. सो That is about it. That's it. Like, you know, and इसी के साथ हमने आपका कोर्स ही ख़त्म कर दिया and this is the last video. इसके बाद हम नहीं मिलेंगे शायद. और certain last points, reminders before like I end this video, I just want to say again, like, you know, आपको अगर especially these will help for long answer or essay or analytical questions. Keep these things in mind. एक तो 6 W's, what, when, why, how, where, etc. अगर कुछ नहीं, इससे इन चीज़ों के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ, but just to remind you, 6 W's, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, just think of the 6 W's, you know, क्या लिखूँ, किसने क्या किया था, who did what, like, you know, what, हुआ क्या, who, किसने किया, when, कब किया, where, कहाँ किया, how, कैसे किया, why, क्यों किया, like, you know, so these will help you write for the writing skills paper also. और दूसरा BME, beginning middle end, like, you know, introduce,
शुरुआत से, जैसे रामायण की कहानी क्या है, रावण के मरने से नहीं शुरू होती, वैसे ही यू नो इंट्रोड्यूस द आइडिया, इंट्रोड्यूस द थीम, इंट्रोड्यूस योर ओपिनियन, येस आई थिंक या फिर नो आई थिंक शामनाथ इज नॉट एजुकेटेड इन द ट्रू सेंस और वट एवर समथिंग लाइक दैट, देन ग्रेजुअली वर्क टूवर्ड्स उसी आइडिया को फिर आप बढ़ाइए, एक्सपैंड कीजिए, मिडल में एग्जाम्पल दीजिए टेक्स्ट के और फाइनली कंक्लूड कीजिए, जिसमें आप क्या है बाहरी दुनिया से भी टेक्स्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, थीम्स को कनेक्ट कर सकते हैं आप, यू कैन टॉक अबाउट रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जाम्पल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. And so that is 6 W's, beginning, middle, end. And finally, one new addition I want to put here, one pointer, show and tell. So show and tell kya hai? Dikhana aur batana. So whenever you are writing or answering something, there are two ways, you know, you can either show something. Jaise ki agar aap kisi kahani mein dekhte hain, aapko dikhana hai ki koi kirdar, koi character, he is very sad. So ya to tell, batane wala tarika kya hai ki राम वॉज फीलिंग वेरी सैड, एक लाइन में आपने ख़त्म कर दिया, ठीक है. शो वाला तरीका है आप दिखाएं कि राम वॉज सिटिंग अलोन इन अ कॉर्नर, हिज आइज सीम टू हैव लॉस्ट ऑल लाइट एंड ही डिडंट फील लाइक टॉकिंग टू एनी वन, ही वॉज जस्ट सिटिंग क्वाइटली एंड देर वॉज अ फ्राउन ऑन हिज फेस. सो दैट इज मोर लाइक अ way of showing. So similarly with like, you know, as I was saying, जो long answer question जहाँ पर आपको थोड़ा themes की बात करनी होगी, you can't just talk about facts and examples. So उसमें क्या है, you have to use both these techniques, show and tell. Tell में आप बताएंगे अपनी धारणा opinion कि आपको क्या लगता है, और फिर show में you will justify it. कैसे दिखाएंगे, text से उदाहरण लेके दिखाते हुए. So yeah, show and tell, 6 W's and beginning, middle, end. And lastly, you know, probably you should ignore this part, but this is specifically for those students जिनके बुरे हाल हैं और अब वो last minute में पढ़ाई शुरू कर रहे हैं. So जिस तरह का you know exam भी देखो एक system की तरह है, and you can always hack systems, you know. So I would say अगर आपकी बुरी हालत है, वैसे तो आपको एक एक टेक्स्ट आना चाहिए, हर चीज़ आनी चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि आपके बुरी हालत है और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एग्ज़ाम के लिए, सो यू मे leave out one poem, one story and one essay. क्योंकि जिस तरह का pattern आता है, choices आते हैं, अगर आप एक कविता, एक story और एक essay छोड़ दें, तब भी आपका काम चल जाएगा. So if you want to go for this option, ideally you should know everything, सारे text आने चाहिए, but अगर आपको ये option लेना है, I will suggest maybe you can leave out The Good Morrow, because it's a slightly more complicated poem. When it comes to the stories, maybe you can leave out The Reddening Tree because it's a longer story. And finally, essays to shayad aapko dono hi padhne lene chahiye, lekin if you want to choose between the two, I would say drop Valley of Silence because At the Himalayas is much easier. But again, like I said, you know, this is all for the students jinke who are in a very bad condition, jinke hai kya bolte jaise bure hal. So that is about it. Isse jyada I have nothing to say to you, so good luck and hopefully you shall all pass and get good grades and maybe see you next year.